हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप फ़ोन को आप कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के, तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन को रीस्टार्ट आप कर पाएंगे और कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के अपने इन्फिनिक्स फ़ोन को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है, स्लाइड करना है, स्लाइड करते ही सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, जहाँ से आप फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और कर पाएंगे बिना बटन्स के। जैसे आप करना चाहते हैं फ़ोन को रिस्टार्ट तो आप कर सकते हैं, आप कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से स्पेशल फंक्शंस पे चले जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी पे चले जाना है, जहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाकर फ़ोन को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं अभी बिना बटन्स के। जैसे आप करना चाहते हैं रिस्टार्ट तो कर पाएंगे तो बिना बटन्स के रिस्टार्ट आप कर सकते हैं। सिंपली कुछ इस तरीके से शॉर्टकट्स को अलाउ कर देना है, इससे शॉर्टकट आइकन से आपके फ़ोन पे अलाउ हो जाएगा, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रीन शॉर्टकट्स को ऑन करते हैं तो शॉर्टकट आइकन से आ जाएंगे, पावर शॉर्टकट्स पे जाकर ग्रीन रीस्टार्ट ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं और फ़ोन बंद हो जाएगा। एंड आप चाहें तो पावर ऑफ भी कर सकते हैं और SOS कॉलिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।